नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और शनिवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज शाम 6:11 तक रहेगी, उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। शास्त्रों में माघ शुक्ल पक्ष की इस तिथि का बड़ा महत्व है, इसे अचला सप्तमी, आरोग्य सप्तमी और विधान सप्तमी आदि नामों से भी जाना जाता है। कहते हैं आज ही के दिन से सूर्यदेव ने पृथ्वी पर अपना प्रकाश फैलाना आरंभ किया था। माना जाता है कि आज की तिथि पर सूर्यदेव को रथ प्राप्त हुआ था, इसलिए इस दिन को रथ सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आज नर्मदा जयंती भी है। आज के दिन नर्मदा देवी की पूजा की, नर्मदा नदी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि आज ही के दिन नर्मदा का प्रादुर्भाव हुआ था। वहीं उड़ीसा में आज चंद्रभागा सप्तमी मनाई जाएगी। आज के दिन मुख्य रूप से अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए सूर्यदेव की उपासना की जाती है। अतः आज किस प्रकार सूर्यदेव की उपासना करनी चाहिए, अचला सप्तमी के दिन किन कार्यों का महत्व है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर, क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, आज अगर कोई नया एग्रीमेंट साइन करना है तो कितने बजे उसे साइन करना उचित रहेगा, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की, किस दिशा में जाने से होगा फायदा और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है। और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 6 तारीख को रात 8:24 से 1:29 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 3 तारीख को रात 12:52 से सूर्योदय तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त 7:54 से 6:11 तक रहेगा। अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 14 तारीख को दोपहर 1:03 से 6:21 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 9 तारीख को सुबह 7:15 से 10:15 तक और दोपहर पहले 11:50 से दोपहर 1:03 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त, आज अच्छा मुहूर्त है सुबह 7:54 से दोपहर 12:21 तक और दोपहर 2:17 से 6:11 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 5 तारीख को सुबह 9:06 से 9:47 तक रहेगा। आज सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त है सुबह 7:54 से दोपहर 12:21 तक और दोपहर 2:17 से 6:11 तक रहेगा। अगर आप कोई वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 7:10 पर शुरू हुआ था और 6:11 तक रहेगा। आज कोर्ट कचहरी के अंदर किसी मामले में दरख्वास्त देने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त कल सुबह 9:17 से दोपहर 12:17 तक और दोपहर 2:13 से 6:48 तक रहेगा। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 13 तारीख को सुबह 8:34 से दोपहर 1:30 तक और दोपहर बाद 3:44 से रात 8:02 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा मुहूर्त है सुबह 7:54 से दोपहर 12:21 तक और दोपहर 2:17 से 6:11 तक रहेगा। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 5 तारीख को सुबह 6:06 से 9:47 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति समय से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है।
इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है, अब यह अशुभ समय 3 तारीख को दोपहर 2:18 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष मिथुन तुला और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए।